मुंबई से सटे मीरा भाईंदर नगर पालिका में जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के दौरान मटन चिकन की दुकानें बंद रखने पर विवाद अब छिड़ गया है। नगर पालिका में बीजेपी ने पर्युषण पर्व पर मटन चिकन की दुकानें बंद रखने का प्रस्ताव तो पास करा लिया, लेकिन इस पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी विरोध कर रही है। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक जैन समुदाय का पर्युषण पर्व है। इस दौरान मीरा भाईंदर में सभी मांस दुकानों को बंद रखने का प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पास हुआ है। मीरा भाईंदर नगर पालिका की मेयर बीजेपी की गीता जैन है। बीजेपी की सत्ता वाली इस नगर पालिका में यह प्रस्ताव 27 के मुकाबले 29 वोट के साथ पास हो गया है, जिसके तहत मीरा भाईंदर में 18 दिन तक मटन चिकन की दुकानें जो हैं वो बंद रखने के समर्थन में है बीजेपी, जबकि शिवसेना चाहती है कि दुकानें खुली रहें। कांग्रेस और एनसीपी ने 18 दिन तक मीट की दुकानें बंद रखने का विरोध किया है, तो एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ। हमने 18 दिनों के बंद का ठहराव रखा था, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की बकरी ईद भी जब दिगंबर के पर्युषण पर्व है तब आ रही है, तो उनकी भी भावनाओं की कदर करके हमने वो 8 दिन बंद का ठहराव पास किया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने विरोध किया। चार नगर सेवक तटस्थ रहे और बीजेपी के सभी नगर सेवकों ने हमारे फेवर में मतदान किया। शहर में बताया जा रहा है कि सत्य के जोर पे ये पालिका ने निर्णय लिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सत्य के जोर पूरा कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, लोकशाही है, हमने वोटिंग करा के ये लिया है और सिर्फ 8 जन जैनों की सत्ता की जोर नहीं हो सकती, ये सभी की इच्छा थी। मुझे लगता है प्रत्येक हिंदू के मन में ये विश्वास था कि श्रावण मास में ऐसा कोई कार्य किया जाए जो एक इतिहास बने, और उसके प्रेरणा स्वरूप सभी अजैन नगर सेवकों ने भी जो मांसाहार अदरवाइज करते हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो खाने की प्लेट पर इस बार बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, जिस पर आपको बताएं कि शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी भी है और कांग्रेस विरोध कर रही है इस पूरे मामले पर शिवसेना के साथ। दादागिरी ऐसी तो किसी की चल नहीं सकती शहर में। न्याय व्यवस्था भी एक बात है और कानून के आगे किसका चल सकता है? कानून कहता है 2 दिन, तो कानून के हिसाब से चलेंगे सब। हकीकत तो ये है कि ये इस तरह से हर साल बंद करने का ये मुद्दा लेकर आते हैं। हकीकत तो यह है, मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि अपने समाज का की दिशा भूल करते हैं, अपने समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम इस तरह से हम करेंगे और ये वोट बैंक क्रिएट करते हैं। हकीकत तो ये है और कुछ नहीं। और इस पर हम हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एमएनएस के नेता संदीप पांडे जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे एमएनएस का क्या रुख है इसके ऊपर, चिकन और मटन की जो दुकानें 18 दिन तक बंद करने का ऐलान किया गया है, इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? मुझे लगता है कि इस प्रकार की दादागिरी किसी समाज की किसी के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। किसको क्या खाना चाहिए और किसको क्या खाना नहीं चाहिए, ये हर एक आदमी का व्यक्ति स्वतंत्र होता है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं लाया जा सकता और ये बिल्कुल गलत बात है। और इस प्रकार का ठहराव जो कॉरपोरेशन ने पास किया है मीरा रोड भाईंदर में, वो ठहराव ही इल्लीगल है जी। तो संदीप जी, आप यानी कि शिवसेना के साथ ही हैं, जिस तरह से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विरोध कर रही है इस फैसले का? किसी के साथ या किसी के, हम तो जनता के साथ है और जनता ये चाहती है कि इस तरह की कोई कंपल्सरी आप ठहराव करेंगे और इस तरह से लोगों को कंपल्सरी करेंगे कि आप नहीं खा सकते या आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है और हम जनता के साथ हैं। पर सर, आप जनता के साथ हैं तो आप किसी का तो साथ देंगे ना? आप शिवसेना अगर इसका विरोध कर रही है और वो अगर कोई आगे कदम उठाती है तो आप पहले से इस बात का विरोध किया हुआ है, हमने तो पहले से इस बात का विरोध किया है। हमने ये ठहराव कॉर्पोरेशन ने मंजूर किया था कि जगह खाने पीने के इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए बिल्डर्स के उसी रद्द की जाए, सोसाइटी के ऊपर खड़े हो, इस तरह का ठहराव जो है मंजे ने पहले कॉर्पोरेशन ने पास किया हुआ है जी, मुंबई कॉर्पोरेशन ने। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब एमएनएस भी बीजेपी का विरोध कर रही है, जिस तरह से खाने को लेकर चिकन मटन जो 18 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी मीरा भाईंदर रोड पर, उसको लेकर अब एमएनएस का भी विरोध सामने आ गया है। तो एमएनएस, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां जो हैं कांग्रेस बीजेपी के बिल्कुल दूसरे पक्ष पर खड़ी हैं।